हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके बीच हाजिर हूं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हिंदी में हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। किस तरीके से हम श्वास अंदर लेते हैं, इनहेल प्रोसेस क्या है, एक्सहेल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको हिंदी इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं अपने फेयर नोटबुक में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन्स इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच आर इंक्लूड। फर्स्ट इज नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स एंड डायफ्राम। एज यू आर वॉचिंग इन पिक्चर, दीज पार्ट्स आर लोकेटेड इन आवर अबोव एब्डोमिन पार्ट, इन आवर चेस्ट, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। देन ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई and bronchi further divided into bronchioles and last part is alveoli. And below lungs there is a muscular sheet that is called diaphragm. And there is an important question arises, which is the smallest part of human respiratory system, and that is called alveoli. सो एल्वियोली इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट। एल्वियोली सबसे छोटा पार्ट है मानव श्वसन तंत्र का। आइए अब हम इनके बारे में इनके नोट्स को देखते हैं। नोज एंड नेजल कैविटी फिल्टर वॉर्म्स एंड मॉइस्चर एयर वी ब्रेथ एंड नोज हेयर्स एंड म्यूकस प्रोड्यूस बाय सेल्स इन द नोज कैचेज पार्टिकल इन द एयर एंड कीप दैम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। यानी जो हवा हम नाक से नासिका से अंदर ले रहे हैं, तो वहाँ जो बाल और म्यूकस हैं वो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकती है और शुद्ध हवा को ठंडी करके लंग्स तक भेजती है। इसी के पीछे नेजल कैविटी जब एयर पास होती है फेरिंग्स में जाती है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि खाना और हवा दोनों के लिए कॉमन है, उससे फेरिंग से होती हुई आगे बढ़ती है। लैरिंग्स, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो जस्ट फेरिंग्स के नीचे होता है और आपकी जो आवाज़ है वो लैरिंग्स से ही आती है। एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस अक्रॉस द थिन टिश्यू इन द लैरिंग्स। हवा जो लंग्स में पास हो रही है अक्रॉस द टिश्यू, एक टिश्यू एक उत्तक के माध्यम से जाती है लैरिंग्स इन द प्रोड्यूस साउंड, और वहाँ पे फिर उस झिल्ली से जब हवा पास होती है तो उसके वाइब्रेशन से आवाज़ बनती है। ट्रैकिया और विंड पाइप इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट लीड डाउन द लंग्स वेयर इट डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। bronchi branches out into smaller bronchioles into lungs in each lungs, और वो आगे जाके bronchioles में चली जाती है। there is a small flap like structure that is called epiglottis which that cover our trachea when we eat or drink। जब हम खाते और पीते हैं तो ये epiglottis है, जब खाना खा रहे हैं तो ये श्वसन नली को बंद कर देती है, और जब हम श्वास लेते हैं तो ये भोजन नली को कवर कर देती है। दोनों का काम एक ही फ्लैप करता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जो मसल्स हैं एपिग्लॉटिस की वो इनवॉलंटरी हैं, इट मीन्स अपने आप डिसीजन लेती है कब इनको क्या करना है। एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग योर लंग्स, और इस तरीके से खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनको लंग्स में जाने से रोकती है। और हवा विंड पाइप के अंदर भी जब ताकि उसमें जा ना पाए, नहीं तो हमें फिर खाते समय, इसीलिए बोला जाता है कि खाते समय, सॉरी, इसीलिए मना किया जाता है बोलने से कि
उसमें पार्टिकल्स चले जाएंगे। अब ब्रोंकियोल्स जो जाके एल्वियोली में चेंज में जाके आगे ख़त्म हो रही है, एल्वियोली एक बहुत ही छोटे से सैक होते हैं जस्ट लाइक अंगूर के गुच्छे की तरह, और एंड पे ब्रोंकियोल्स के वहाँ पर बबल्स लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं लुक इन द लिटिल ब्रांचेज ऑफ ग्रेप्स जैसे होते हैं। ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर, ये ब्लड के अंदर सीधा इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ये उसके अंदर छोड़ती हैं O2 को छोड़ती है और CO2 को उनसे एब्जॉर्ब करती हैं। नीचे एक डायफ्राम शीट है, मसल्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द बॉटम एट द रिब केज, जो रिब केज के जस्ट नीचे होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था, ये है डायफ्राम, ये जस्ट नीचे। इसी तरह से ये जब हम इसको पुश करेंगे तो किस तरीके से हमारी चेस्ट फूलती है, कैसे हवा अंदर आती है, ये सारा मैकेनिज़म अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है जिससे कम शब्दों में एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आप इनहेलेशन, इनहेलेशन में आपने ये देखा है कि सबसे पहले इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स करती हैं, रिलैक्स जब आराम में आती हैं तो बाहर की तरफ से, एक मिनट डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं इसको दूर कर देता हूँ। अब हम फिर से बात कर रहे थे इनहेलेशन, इनहेलेशन में इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स होने से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब केज जो हमारा पसलियाँ हैं वो मूव अपवर्ड, वो ऊपर की ओर मूव करती हैं एंड आउटवर्ड और बाहर आती हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटनेंस, और डायफ्राम धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लटर होने लगता है, और वॉल्यूम एयर का थोरक्स कैविटी के जरिए वो बढ़ने से अंदर आता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, और प्रेशर जब बढ़ेगा घटता है उसमें एल्वियोली में, तो एयर धीरे 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 अंदर आती है। ये है इनहेल का प्रोसेस, इसको आप एक बार फिर से आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर प्रेशर जो है वो घटता है और एयर जो है अंदर आती है। आपको पता है एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। अब हम बात करेंगे एक्सहेल, नासिका से बाहर सांस छोड़ने की, इसको भी मैंने एक एरो डायग्राम से बताने की कोशिश करी है, आप इसको ध्यान से देखें। इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उल्टा होगा, एक्सटर्नल जो है वो रिलैक्स करेंगी, रिब केज अब वो डाउनवर्ड्स की ओर इनवर्ड्स अंदर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, जिससे डायफ्राम रिलैक्स करेगा, वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी है वो कम होगा, जो थोरेसिक कैविटी हमारा जो चेस्ट है छाती है उसका जो आयतन है वो कम होगा, और प्रेशर बढ़ेगा एल्वियोली में, और प्रेशर बढ़ेगा तो हवा सारी एल्वियोली से बाहर आएगी, और इस तरीके से हम नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक्सहेल का प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको बताया, एक ये नॉर्मल जो एडल्ट जो है वो 12 से 20 ब्रीथिंग करता है पर मिनट, और अगर एक्सरसाइज के दौरान वो 45 ब्रीथिंग भी जाती है। तो यहीं पे मैं इस टॉपिक को फिनिश कर रहा हूँ, और ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हैं जो आप देख रहे हैं, लगभग 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताने की कोशिश करी है कि जब भी पर्सन कोई भी व्यक्ति है वो एक मिनट में लगभग कितना, जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया था 12 से 20, तो इसमें कुछ आंकड़े सीधा ये भी दिखाते हैं कि 13 उसका एवरेज है। लंग्स आर नॉट द सेम साइज, लंग्स कभी भी सेम साइज में नहीं होते। अकोमोडेट द हार्ट, हार्ट के जस्ट पास में होते हैं, और राइट लंग्स जो है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग्स से। 3 पॉइंट्स हमें बताता है कि लंग्स फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर तैर सकते हैं, यही एक बॉडी का पार्ट है जो कि वाटर पे फ्लोट कर सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लंग्स एंड टेनिस कोर्ट, उनका सेम साइज होता है। टेनिस कोर्ट का जो वॉल्यूम बताया जाता है, जितना उसका क्षेत्रफल होता है, उसके इतना ही क्षेत्रफल लंग्स के का होता है। What do lungs and tennis court have in common? उनमें कॉमन क्या है? Their size, तो उनके साइज़ को कॉमन है।
इसी तरह ऑक्सीजन ओनली प्ले स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रीथिंग द एयर वी ब्रीथ कंटेन 21% ऑक्सीजन बट आवर बॉडी ओनली यूज 5%. ये भी एक फैक्ट है, 5% ऑक्सीजन को यूज करती है हमारी बॉडी, बाकी उसको एक्सहेल कर देती है, निकाल देती है. 70% जो है वाटर एलिमिनेट थ्रू योर लंग्स जस्ट बाय सिंपली ब्रीथिंग. हमारे जो नॉर्मल सांस लेने से 70% वेस्ट इज एलिमिनेटेड. वेस्ट जो है वो इससे भी बाहर निकलता है, लंग्स से भी. तो लंग्स भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है. चिल्ड्रन एंड वुमेन ब्रीथ फास्टर, बच्चों में और औरतों में जो ब्रीथिंग है वो फास्टर होती है, तेज होती है. चिल्ड्रन वुमेन हैव हायर ब्रीथिंग रेट देन द मैन. मनुष्य से, मानव में अगर हम बात करें तो मेल से ज़्यादा होती है फीमेल और बच्चों में, चिल्ड्रन में. वुमेन एक्सहेल अप टू 7.5 मिली लीटर ऑफ वाटर पर आर, और पर आर में 17.5 मिली लीटर पानी भी बाहर निकालता है. तो ये मैंने आपको जानकारी दी और इसको अच्छे से धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी डाउनलोड अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखेंगे तो कम शब्दों में हम एक्सहेल और इनहेल के प्रोसेस को आराम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद एयर कहाँ जाती है. ये हम पार्ट्स के बारे में बताया आपको. फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यहाँ पे आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख ही रहे हैं. मेरा नाम और A to Z साइंस क्लासेस और ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, पर्सनल SMS कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ.